तुसी देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी। इस वेले दी वड्डी खबर, पंजाब पुलिस दे हाथ वड्डी कामयाबी हासिल हुई है। पंजाब पुलिस ने जयपाल भुल्लर जो वांटेड गैंगस्टर सीगा उहदा एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर कलकत्ता विच किया गया है। जयपाल भुल्लर के नाल पंजाब पुलिस की टीम ने जसप्रीत जसी जो वॉन्टेड सीगा, दो ASI कतल जिन्हों का होया सीगा जगराओं दे विच, उस मामले दे विच ये दोवें गैंगस्टर वॉन्टेड सीगे। इन्हां दोवां गैंगस्टरां दा पंजाब पुलिस ने कलकत्ते च जाके एनकाउंटर किया है। इस वेले की वड्डी खबर है ओकू, पंजाब पुलिस की टीम ओकू जिहड़ी लगातार जिहड़े ऑर्गनाइज क्राइम हुंदे ने उन्हां दे थल पाउण लई जिहड़ी टीम बनाई गई सी, विक्की गोंडर वर्गे कई वड्डे गैंगस्टरां दा जिन्हां ने एनकाउंटर किया है, उसे टीम ने अज पंजाब तो कई हज़ार किलोमीटर दूर जाके कलकत्ते विच जयपाल भुल्लर का एनकाउंटर किया। जयपाल भुल्लर के नाल जसप्रीत जस्सी, गैंगस्टर जसप्रीत जस्सी का भी पंजाब पुलिस वालों एनकाउंटर किया गया है। बीते दिन जगराओं के विच ये चार लोग जिहड़े वॉन्टिड सीगे, चारां दे विच एक की गिरफ्तारी हुई सी, बाकी दो गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के नाल जगराओं की दाणा मंडी के आए थे। उत्थे उन्होंने दो ASI का, पंजाब पुलिस के ASI का कतल किया, मारिया सीगा उन्होंने। उस तो बाद लगातार पंजाब पुलिस इन्हां दी भाल कर रही सी। तो जिवें तुहानूं आपां खबर दस ही रहे हां कि पंजाब पुलिस की ओकू जिहड़ी स्पैशल टीम है, ऑर्गनाइज कंट्रोल क्राइम यूनिट जिहड़ा हैगा, उह उहने पंजाब उत्थे जा के कलकत्ता च जा के एनकाउंटर नूं अंजाम दिता, जयपाल भुल्लर का खात्मा किया है। जयपाल भुल्लर के नाल जसप्रीत जस्सी का भी खात्मा किया है। 3:30 बजे पंजाब पुलिस ने इस एनकाउंटर नूं, इस घटना नूं अंजाम दिता है। इस पूरी घटनाक्रम दे विच एक इंस्पैक्टर कलकत्ता पुलिस दे इंजर्ड होए ने। मेरे नाल मेरे सहयोगी विवेक ढल जुड़ चुके हैं। विवेक, ये बड़ी देर तो पुलिस का, क्योंकि पुलिस से भी आया हुआ सीगा, दो पुलिस के अपने कर्मी इस घटना दे विच मारे गए सीगे, उस तो बाद लगातार जयपाल भुल्लर की जांच भाल जारी सीगी, तो कलकत्ता च जाके मिले और उत्थे मार कराया उन्हों। जी बिल्कुल, लगातार पंजाब पुलिस अते पंजाब पुलिस दी वख-वख टीमां जयपाल भुल्लर अते उनके साथियों नूं गिरफ्तार करने वास्ते लगिया हुई सीगियां। पिछले दिनों के जयपाल भुल्लर के दो साथियों नूं मध्य प्रदेश तो गिरफ्तार की गई थी, जिस तों बाद कड़ी दर कड़ी जुड़ती गई, तो उस तों बाद लुधियाना तो भी उन्होंने एक साथी नूं लक्की नाम के एक शख्स नूं गिरफ्तार किया सीगा लुधियाना पुलिस वालों। जो कि कहा जा रहा सीगा कि जयपाल भुल्लर जदों किते जांदा सीगा तां उह उसनूं लुधियाना तो एसकोर्ट करके रेकी भी करता सी उस वास्ते जयपाल भुल्लर वास्ते, अते एसकोर्ट करके उसका रस्ता क्लीयर करवांदा सीगा। ते उस तों बाद लगातार जयपाल भुल्लर के जो दो साथी मध्य प्रदेश तो फड़े गए थे, उस तो बाद लगातार उन्होंने पूछगिछ चल रही थी कि होर कि लोग जयपाल भुल्लर के संपर्क के किस जगह से जयपाल भुल्लर लुकया हो सकता सीगा, वो सारी जानकारियां इकट्ठिया की जा रही थी। लगातार रेड्स की जा रही थी, तो इन्ह रेड्स तो बाद ही हूँ अच्छ एक वही कामयाबी पंजाब पुलिस से ओको टीम को मिली है, जिन्होंने कलकत्ते तो जयपाल भुल्लर और उसके साथी का एनकाउंटर कर दिया गया, जो इस समय की वही खबर सामने आ। विवेक, जयपाल भुल्लर जगराओं, सिर्फ जगराओं जिहड़ा ASI का हत्याकांड होया, दो ASI मारे गए थे, इस तो अलावा भी जयपाल भुल्लर से काफ़ी संगीन आरोप लगे रहे, किस तरह का किरदार रहा जयपाल भुल्लर का, ज़्यादातर जिहड़ा इन्हों का क्राइम सीगा लुधियाने के इलाकों के ही देखा गया सी। जी बिल्कुल, जयपाल भुल्लर जो पंजाब पुलिस की गैंगस्टर लिस्ट के कैटागरी का गैंगस्टर सीगा, कई वारदातें कई बड़ियां वारदातें जयपाल भुल्लर वालों की गई सीगा, लगातार जयपाल भुल्लर जिहड़ा हैगा अपना हुलिया बदल के अलग अलग स्थानों से लुकता रहा। राजस्थान के विच भी उसके छुपे होने कई जिहड़े ठिकाने सामने आए थे, जो भी कोई वड्डा कांड जयपाल भुल्लर और उसके साथियों वालों किया जाता सीगा, राजस्थान या होर दूजी स्टेटा के जाके इन्हों वालों शरण लिती जाती थी, क्योंकि इसका नैटवर्क काफी स्ट्रोंग मनिया जाता सीगा, इसके संपर्क काफी दूजी स्टेटा के भी लोगों के नाल, जिस करके ये आम तौर पर पुलिस की गिरफ्त तो बचता आता रहा वै। पर हुण पिछले दिनों कहा जा रहा है कि जगराओं और लुधियाना के आस पास इसने काफी समय तो अपना डेरा लगाया होया, कई बार लुधियाना तो इसने क्रॉसिंग भी की है, पर पुलिस इसनों गिरफ्तार करने के विच नाकामयाब रही। पर उस तो बाद जो 15 मई शनिवार शाम को जगराओं की दाणा मंडी के विच दो ASI के उत्ते जो मौके से गए थे, उन्होंने उन्होंने एक ASI ने जयपाल भुल्लर पहचान लिया था, जिस तो बाद उन्होंने गोलियां मार दी गई, जिस कांड के विच खतरनाक गैंगस्टर कर रहे थे, जिस विच मैनूं लगदा पुलिस अड़िका बनी, इन्होंने दो ASI ही मार दिते सी उस वेले। जी बिल्कुल, जगराओं लुधियाना दे आती पुलिस दे दो ASI जिन्हां नूं
सूचना मिली थी कि जो जगराओं की दाना मंडी के कुछ जो नशीले पदार्थों की समगलिंग हो रही है, इस तो बाद सीधा उसके मौके से पहुंचे थे। उसे एक कैंटर एक जो गड्डी उसे उन्होंने दिखाई दी थी, जिसके जो उन्होंने उसके उसके छानबान छानबीन करनी चाहिए कैंटर की, तो उसके जेड़े मौजूद लोग थे उन्होंने वालों उन्होंने जो गोलियां चलानिया शुरू कर दी गई। कहा जा रहा है कि गैंगस्टर वालों इस करके गोली चलाई गई क्योंकि उन्होंने एक ASI ने भगवान सिंह ने जयपाल भुल्लर पहचान लिया, उसके वालों कहा गया कि यह तो जयपाल भुल्लर है। उस तो बाद उसने अपने बचाव के वास्ते ताकि कोई क्ल्यू ना रहे, इस करके उन्होंने उत्ते गोलियां चलाईया, जिसके दो ASI है मौके पर ही मौत हो गई थी, ASI इंजर्ड होया। इस तो बाद पंजाब पुलिस की वख-वख टीमों वास्ते एक वड्डी जिहड़ी हैगी चुनौती बनी हुई थी कि जल्द तो जल्द जयपाल भुल्लर अते उसके जिहड़े तीन होर साथी सीगे जिहड़े मौके ते चार गैंगस्टरां वालों जिन्होंने सारी वारदात को अंजाम दिता सीगा उन्होंने गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, जानकारी देने लई धन्नवाद। जिस तरह विवेक टल जानकारी दे रहे थे क्योंकि जयपाल भुल्लर पहचान लिया, जेडे दो ASI का कतल होया जगराओं के सब दाणा मंडी के जयपाल भुल्लर उत्थे आया, पहचानया गया। इस करके इनफॉर्मेशन निकल के आ रही कि जयपाल भुल्लर तो साथियों ने मौके से ही दो ASI का कतल कर दिता सीगा, जिस तो बाद लगातार पंजाब दे विच एक वड्डी चर्चा छिड़ी हुई सी पंजाब पुलिस के उन्हां दो जवानों उन्हां दो थानेदारों कदों इंसाफ मिलेगा। तो इस करके पंजाब पुलिस की एक यूनिट जे लगातार इस तरह के ऑपरेशन अंजाम देती रहती है, चाहे वह विक्की गौंडर का एनकाउंटर होवे, चाहे वह दिलप्रीत बाबे का अरैसट होवे, इस तरह के ऑपरेशन ओकू वालों हमेशा किए जाते हैं। तो यही ओकू टीम ने कोलकाता च गए, पंजाब तो कई हज़ार किलोमीटर दूरी पर जाके उन्होंने एक ऑपरेशन अंजाम दिता, वड्डे ऑपरेशन अंजाम दिता, जिस विच कोलकाता पुलिस के एक इंस्पैक्टर भी इंजर्ड हो गया। इस तो अलावा हजे होर डिटेल्ड जानकारियां क्योंकि पंजाब पुलिस के उच्च अधिकारियों ने सानू इस एनकाउंटर की जानकारी बारे कन्फर्म जरूर किया, पर डिटेल जी हजे हो सकता है कि चंडीगढ़ के DGP या उन्होंने तो जोड़े उच्च अधिकारी ने पंजाब पुलिस के वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और इस ऑपरेशन की डिटेल जानकारी देन, पर एक वड्डा ऑपरेशन अंजाम दिता। मेरे सहयोगी मेरे नाल ने सुनील राणा जी, ये तो फिर वड्डा ऑपरेशन कई हज़ार किलोमीटर दूर जाके ओकू ही टीम जी बार बार गैंगस्टर के थल पा जानी जा रही है, जो यूनिट बनाया गया एक बार फिर वो कामयाब हुई है इस ऑपरेशन। देखो पहले सू थोड़ा बैक जाना पेगा कि जिस दिन हमला होया, ये हमला ही पंजाब पुलिस के उपर बहुत बड़ा हमला सीगा कि दो ASI जिहड़े कि एक नशे के इनफॉर्मेशन के उपर गए थे, इन्हों फड़न वास्ते उन्होंने क्या किया गोलीबारी की, और दो ASI उत्थे मौके से ही गोली मार के मार दिता। इस तो बाद सरकार ने भी संज्ञान ले लिया, ईवन DGP भी ऑर्डर किए थे कि किसी भी तरीके से सानू जिंदा या मुरदा ये चाहिए है। उस दिन तो ही जी पंजाब पुलिस जी लगी सी पिछे 29 मई में भी इन्हों के जो दो साथी है वह भी ग्वालियर तो पकड़े गए थे, ग्वालियर के डाबरा तो पकड़े गए थे, जिन्हों में एक दर्शन सिंह से दूजा बलजिंदर सिंह, जिहड़े ये जिहड़े दो फरार सके ते दो जिहड़े उत्थों ग्वालियर तो पकड़े गए थे। इस तो पहले पकड़े, उस तो बाद इनफॉर्मेशन मिलती कि जिदा जिदा अज इन्होंने कोलकाता दे विच जिदा इनफॉर्मेशन मिली तो कोलकाता पुलिस की इन्होंने मतलब कोलकाता पुलिस की उत्थे मदद ली है, कोलकाता पुलिस की मदद के नाल उत्थे जाके पंजाब पुलिस एक अधिकारी ने सानू कन्फर्म किया है कि इस ऑपरेशन दे विच कलकत्ता पुलिस का एक इंस्पैक्टर जिहड़ा इंजर्ड होया है, एक वड्डी टीम पंजाब पुलिस की कलकत्ता गई थी, हालांकि पंजाब पुलिस के किसी भी जिहड़े जवान ने उन्होंने तो कोई भी हजे इस तरह की जानकारी नहीं आ रही कि उन्होंने किसी तरह का नुकसान होया, पर कलकत्ता पुलिस का एक इंस्पैक्टर इंजर्ड हो गया। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को खबर दस रहा, पंजाब के नामी गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का कलकत्ता दे विच पंजाब पुलिस ने जाके एनकाउंटर कर दिता, जयपाल भुल्लर के नाल उन्होंने साथी जसप्रीत जस्सी का भी एनकाउंटर किया, 10 लाख का इनाम जयपाल भुल्लर से, जसप्रीत जस्सी के 5 लाख का इनाम सीगा जयपाल भुल्लर से, जिहड़ा ताज़ा जिहड़ा इन्हां दा क्राइम सीगा वो जगराओं की दाणा मंडी दे विच दो ASI का कतल, दो पंजाब पुलिस दे ASI दा थानेदारां दा कतल किया सीगा, जिस तो बाद लगातार पंजाब पुलिस इन्हां दी भाल कर रही सीगी और अज पंजाब पुलिस कामयाब हुई है कलकत्ता दे विच जाके दो गैंगस्टर का कतल किया, जिस विच कलकत्ता पुलिस दे एक जवान जरूर जख्मी हो गया। ये एक वड्डा ऑपरेशन इलैक्शनों तो पहला भी आप कह सकते पंजाब पुलिस प्रैशर तो सरकार से भी प्रैशर जरूर सीगा क्योंकि नशे की खेप के नाल जुड़िया मामला देखा जा रहा है। बिल्कुल ये गैंगस्टर ही सीगे, नशा सप्लायर भी सीगे बेसिकली, ये वास्ते पुलिस ने बड़ा शिकंजा कसा उन्हें थोड़ी देर पहला प्रैशर बनाने वास्ते कि सरेंडर करना अपने आप। एक जस्सी जिहड़ा गैंगस्टर है उसकी वाइफ को मोहाली चो अरैसट भी किया गया, उसकी फैमिली वालों भी अरैसट किया गया ताकि प्रैशर बने, एक प्रैशर क्रिएट होए तो वो अपने आप को अरैसट कर दे, लेकिन अरैसट नहीं क्योंकि वाइफ के उपर यह भी आरोप है कि जिस दिन उत्थे तो वारदात करके नट्ठे थे तो उसकी वाइफ ने इन्हों पनाह भी दी सी, इन्होंने पनाह भी दी सी, तो उस आरोप के उन्हें अरैसट किया, उसके बाद प्रैशर बनाया लेकिन ये अगे तो अगे दौड़ दे गए, लेकिन कदों कितने तक दौड़ दे
पुलिस ने आखिरकार जिहड़ा इनकाउंटर कर ही दिता। बिल्कुल दर्शन मैं एक बार दिखाना चाहवागा कि एक बार मेरे सहयोगी प्रभजोत दिखा किमें दर्शन सिंह जिहड़े ने अरैसट हुए थे कुछ दिन पहला बलजिंदर सिंह भी अरैसट हो गए थे। हाँ जी हाँ जी ये जिहड़े दो मोस्ट वांटड सीगे ये ग्वालियर नटके थे ग्वालियर के डाबरा तो अरैसट किए गए थे दर्शन सिंह ते बलजिंदर सिंह ये पहले अरैसट हो गए थे। हो सकता इन्हां तो ही कोई क्लू अगे इन्हां दा मिलिया होवे जिस क्लू के आधार पर जिहड़ी पुलिस ओकू की टीम जिहड़ी आ कोलकाता गई और कोलकाता च जाके उन्हें उत्थे दी लोकल पुलिस की मदद के नाल अज दोनों का इनकाउंटर कर दिता। उत्थे ये बड़ी वड्डी कामयाबी है पंजाब पुलिस की अज मतलब कि एक सवाल भी खड़ा हो रहा है ना जिस दिन एनकाउंटर है कि पुलिस ही सेफ नहीं है तो आम पब्लिक कितों सेफ है तो पुलिस की भी साख का एक सवाल बन गया सीगा ते पुलिस ने इहदे पर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया सीगा और मतलब कि पूरे पंजाब उसी दिन ही इन्होंने नाकाबंदी कर दी पिंडां दे विच इन्होंने छापा मारियां शुरू कर दित्तियां सीगियां जिहड़े जिहड़े पिंडां दे विच रहिंदे रहे जिथे दे घरां दे उपर किराए दे उपर रहिंदे रहे उन्हां सारिआं दी मतलब कि इन्होंने बड़ी छानबीन शुरू कीती सीगी बहुत सारे लोकां नूं इन्होंने। मेरा सवाल राणा जी एक वारी इही है कि ओकू जिहड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल यूनिट बनाया गया सीगा पंजाब पुलिस वल्लों लगातार कामयाब हुंदा जा रहा इहदे विच इंस्पैक्टर तो डीएसपी प्रमोट हुए विक्रम बराड़ शायद क्योंकि हजे तक पंजाब पुलिस ने डिटेल्स जिहड़ियां ने नहीं कीतियां पर साडे सूत्र कहिंदे ने कि विक्रम बराड़ ने ही उत्थे जाके ऑपरेशन अंजाम दिता इस हजे सूत्रां तो मिली जानकारी दे मुताबक हजे टीम कि टीम पंजाब पुलिस की गई सी उहदी डिटेल हजे आनी है पंजाब पुलिस खुद दसेगी पर लगातार इन्हां दे खाते विच तां कामयाबियां जा रहियां ने फिर इस यूनिट दे विच इह यूनिट कामयाब है पंजाब पुलिस दा। देखो बेसिकली इस यूनिट दा काम ही इही है इस यूनिट दा काम ही है कि इदां दे जिहड़े मतलब क्रिमिनल्स है गैंगस्टर है इन्हों ठल पानी इन्हों ठल बाने पाने वास्ते ही जिहड़ा ओकू यूनिट है बनाया गया सारा सारा ही और लगातार बिल्कुल सही है कामयाबी तो है ही है। देखो ना तो बिक्की गौंडर तो लैके अपने बाबा वर्गे होर कई कई इनकाउंटर इन्होंने पकड़े भी है तो किन्ने इन्होंने मार भी दिते एनकाउंटर मारे भी है लोहरिया लै लो जलंधर तो उसका भी एनकाउंटर बिक्की गौंडर के नाल ही किया इन्होंने तो मतलब ऐसा नहीं है ओकू जो अपना काम जो लगातार कर रही है ओकू ने ही अज जिहड़ा है ये ऑपरेशन भी अंजाम दिता तो अज जे दो गैंगस्टर जिन्होंने दो ASI मारिया उन्होंने कोलकाता एनकाउंटर भी अज ओकू ने ही किया ओकू मतलब अपना जो काम है वो बड़े उद्देश कर रही है पूरे लगी हुई है पूरी। पर फिर अपने जो दर्शक साढ़े नाल दोबारा जुड़ रहे हैं उन्होंने दस दवा इस वेले पंजाब एक वड्डी खबर है पंजाब पुलिस के ओकू यूनिट ओकू जिहड़ा एक यूनिट बनाया गया है ऑर्गनाइज क्राइम कंट्रोल जो गैंगस्टर्स वर्गे जिहड़े क्राइम जो करते हैं गैंगस्टर्स करते हैं पंजाब दे विच उस क्राइम नूं रोकण लई जिहड़ा यूनिट बनाया गया सीगा उस यूनिट ने कलकत्ते च जाके एक वड्डे ऑपरेशन नूं अंजाम दिता उहदे विच कामयाबी हासिल की इस ऑपरेशन दे विच पंजाब दे नामी गैंगस्टर जयपाल भुल्लर दा एनकाउंटर किया गया जयपाल भुल्लर ते ताज़ा इल्जाम जगराओं की दाणा मंडी दे विच दो थानेदारां दा पंजाब पुलिस दे थानेदारां दा कतल करन दा सीगा उस तो बाद लगातार पंजाब पुलिस इन्हां गैंगस्टरां दी भाल कर रही सीगी अज पंजाब पुलिस कामयाब हुई तां 3:30 बजे कुछ समा पहला ही हुणे 5 बजे ने 1.5 घंटा पहले ये जयपाल भुल्लर दा कलकत्ते दे विच एनकाउंटर किया गया जयपाल भुल्लर दे नाल जसप्रीत जस्सी उन्हां दे साथी गैंगस्टर ने भी उन्हां दा भी एनकाउंटर किया गया और इस पूरे ऑपरेशन दे विच कलकत्ता पुलिस का एक इंस्पैक्टर इंजर्ड जरूर होया तो राणा जी जदों एक सूबे की पुलिस दूजे सूबे के जाती है तो जिवें हुण जो साढ़े कोल कन्फर्म्ड इनफॉर्मेशन है कि कलकत्ता पुलिस के एक इंस्पैक्टर भी इंजर्ड हुए हैं तो यहाँ मतलब कट्ठिया का ऑपरेशन सीगा जॉइंट ऑपरेशन सीगा इस तरह नहीं है कि पंजाब पुलिस ने कलकत्ता पुलिस को कोई जानकारी ना दी हो नहीं कोलकाता पुलिस को जानकारी दी होनी कोलकाता पुलिस की पूरी मदद भी ली होनी पी इदा कभी हो नहीं ना सकता कि भी इतों पुलिस गई और उत्थे जाके सीधा डायरैक्ट इनकाउंटर कर दे ये पॉसीबल नहीं है क्योंकि उत्थे पुलिस ने इनफॉर्म करना ही पैना जे चकना भी इतों बंदा तां भी उन्होंने दसना पैना कि असीं इत्थे तुहाडा एक बंदा चक्या है हालांकि वह तो खैर सही थे ही पंजाबी तो दौड़े हुए थे एब्सकाउंडिंग सके इत्थे दे तो उन्होंने जाके इसी करके जिहड़ा कोलकाता पुलिस का एक इंस्पैक्टर इंजर्ड होया इट मीनस उत्थे दी पुलिस पार्टी भी पंजाब पुलिस दे नाल उन्हां नूं असिस्ट कर रही सी उत्थे उन्हें असिस्ट किया उस तो बाद ये एनकाउंटर किया गया और ये दोनों गैंगस्टर जिहड़े नामी गैंगस्टर ये वांटड सीगे पंजाब पुलिस नूं ये दोनों जिहड़े उत्थे मारे गए है इनकाउंटर भी कोलकाता पुलिस 100% जिहड़ी शमूलियत उत्थे होएगी इहदे च मतलब क्योंकि हर हमेशा इस तरह जदों विक्की गौंडर दा एनकाउंटर होया सीगा मैनूं याद है मैं आप खुद उत्थे कवर कीता सीगा कि राजस्थान दे बॉर्डर ते राजस्थान च ही होया सीगा तां राजस्थान पुलिस ने थोड़ा जिहा सवाल जरूर चुके सीगे कि पंजाब पुलिस आई अंदर आ के एनकाउंटर करके चली गई तो राजस्थान पुलिस नूं उत्थे इनफॉर्म नहीं किया सीगा तो इस ऑपरेशन दे विच इस तरह नहीं लग रहा कलकत्ता पुलिस वैल इनफॉर्म सीगी और उन्होंने ऑपरेशन दे विच भाग लिया। बिल्कुल जी जिहनूं असीं कह सकदे हां कि प्रोपर ऑपरेशन है ये प्रोपर ऑपरेशन है प्रोपर इनफॉर्मेशन दित्ती गई उन्होंने। देखो इनफॉर्मेशन का जिदा मैं तुम्हें दसिया कि दो बंद इन्होंने ग्वालियर तो पकड़े इस मीन से सारे कट्ठे कट्ठे नठे जे दो ग्वालियर गए तो अगर फिर कोलकाता नूं दो दौड़ गए तो जे दो बंद इन्होंने ग्वालियर तो अरैसट किए मैंने लगता है कि उत्थे तो कोई इनफॉर्मेशन इन्होंने कोल आई उस तो अगे तो अगर इनफॉर्मेशन मिलती गई तो इन्होंने पता लग्या कि कन्फर्म है कि ये जे दोनों नामी गैंगस्टर है ये
कोलकाता दे विच लुके हुए आ। उस तो बाद हुण देखो कोलकाता जाके चलो उन्हां नूं पता भी लग गया, लेकिन उत्थे दा इह नहीं ना पता भी कि किधर नूं हट जाण किधर नूं ना हट जाण। इह तां सारा जिहड़ा उत्थे दा जियोग्राफी आ जां जिहड़ा सारा मैप आ उहदा उत्थे दी पुलिस नूं पता ना। हो सकदा किसी तंग गलियां च कितें लुके होण, इह तां है नहीं कि किसी शहर दे विच लुके लुके तां इह तां पुराना जिहा शहर है, पुराना पुराना शहर है, तां मतलब कि उत्थे इह तां उत्थे लोकल पुलिस नूं पता। इह पर जगराओं तों किस तरां इदां मदद मिल जांदी है कि हज़ारां किलोमीटर दा डिस्टेंस है ते इन्नी देर तों पुलिस भाल कर रही है, पूरी इंटैलीजेंस एक्टिव सीगी, इसके बावजूद जगराओं तो या लुधियाने के इलाके तो जयपाल भुल्लर जिहड़ा कलकत्ते तक पहुँच जाता। देखो पुलिस का जिहड़ा नैटवर्क है ना जी, वह हुण तुहानूं पता है कि भी सोर्स नैटवर्क के उपर सारियां चीज़ें चलदियां, जिदा साडे पत्रकारां दे सोर्स हैगे उदां ही पुलिस दे भी सोर्स हैगे, ठीक है नी, वर्किंग दोनों ही लगभग सेम ही होंदी। असीं भी अपने सोर्स तों खबरां लैंदे आ ते पुलिस भी खबर अपने खबर ही रखे हुए, पुलिस ने भी जिहड़े पुलिस ने इनफॉर्म करदे ने टाइम टू टाइम, हाँ जी फलाना बंदा जिहड़ा इत्थे नठिया इत्थे नठिया इदां ही नठिया। इह फिर नेपाल जाण दी भी फिराक हो सकदी सी कि जिथे फिर उस तों बाद जे कलकत्ता पार हो जांदा तां हो सकदा सीगा कि नेपाल चले जांदे ते फिर बंगलादेश या नेपाल वर्गे देशां दे विच जा के उत्थे उत्थे मुश्किल हुंदी उस तों बाद पकड़ना पंजाब पुलिस नूं। हाँ जे उत्थों जे दूजे कंट्री चले जांदे फिर तां मुश्किल है ही है, ऐसा नहीं जे बाई दी वे तों अपने अपने कंट्री नूं क्रॉस कर जांदे हो फिर तां किदा पकड़ने सीगे इहनां ने, फिर तां बड़ा मुश्किल हो जाणा सीगा उत्थों फड़ना। इह हो सकदा कि विदेश दौड़न दी ਭਾਲ 'ਚ ਹੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲਕੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ 'ਤੇ 2 ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹਦਾ ਗੈਂਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ, ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਇਕ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਏ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਐਬਸਕਾਊਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਨੱਠ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਓਕੂ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV।